तो आपको खाली लोगों दिखा रहा हूँ, सुजुकी वर्कमैन गाड़ी है। ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। ये इसमें क्या हुआ है, सीट का जो होता है लॉक हो चुका हुआ है। लॉक मतलब इसका जो वायर होता है सीट का, वो टूट गया हुआ है। तो उसको चेंज करने का तरीका, आप उसको खोल के तभी आप उसको केबल को चेंज कर सकते हो, जिससे अंदर सीट बगैर खोले आप तो कर नहीं सकते हो। तो आपको वायर, जिसे मैंने वायर आपको बताऊंगा कि कैसे वायर ओपन किया जाता है, उसी तरीका आप उसको केबल को चेंज कर सकते हो। ये वीडियो के अंदर आपको केबल समझ लो चेंज करते हुए नहीं बताऊंगा, ओपन करते हुए बताऊंगा। जैसे मैंने ओपन किया उसी तरीका आप इसको नया वायरिंग कर सकते हो। अभी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं, देखिए ये सीट का ऐसे करेंगे तो सीट ओपन होना चाहिए। सीट अभी देखिए खुल नहीं रहा है, ये सीट को देखो ये खुल नहीं रहा है। अब इसको तो आप खोल सकते हो, खोलने का जो तरीका होता है वो ये वीडियो के अंदर वापस रिपीट कर रहा हूँ बताऊँगा, और वायर चेंज करने का तरीका बताऊँगा, क्योंकि इसका वायर चेंज करने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। कोई नया बंदा रहेगा तो उसको वायर को चेंज नहीं कर सकता है, पूरा गाड़ी जैसे वो बोलेंगे पूरा खोलना पड़ता है। ये गाड़ी में आपको पूरा आगे का जो होता है, इसको जो आगे का पूरा जैसे कबर बोला जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, पूरा इसको ओपन करोगे तभी आप केबल चेंज कर सकते हो। क्या क्या चीज़ की स्क्रू, किधर किधर स्क्रू और कौन कौन से पाना लगता है, वो भी आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। अभी एक स्क्रू हमने इसको ओपन किए हुए हैं। स्क्रू कौन से ओपन किए, ये वाला कवर जो होता है राइट साइड का, ये राइट साइड में इसका केबल आता है, आपको भी दिखाऊंगा। पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ भी एक स्क्रू आता है, देखिए मेरा उंगली इधर है, यहाँ एक स्क्रू आता है, इसको भी ओपन करते, ये देखिए, अभी ये देखिए ये ओपन कवर जो होता है मैंने केयर कर दिया हूँ। थोड़ा इसको जो अगर आपको ओपन करना है, थोड़ा से इसको जैसे नीचे पुश करके और इसमें थोड़ा हल्का स्क्रू ड्राइवर डाल के हल्का से पुश करोगे तो ये कवर जो होता है बाहर आ जाता है। अब इसका केबल दिखा रहा हूँ आपको, केबल किधर आता है, अंदर आता है, देखिए ये केबल है। आपको एक स्क्रू ड्राइवर लगता है जो आपको दिख रहा है, और एक 10 का हम लोग उसको टी पाना बोलते हैं, जैसे पाइप पाना बोलते हैं, सबका बोलने का अलग, ये 10 का है। एक हो गया, एक ये दो आइटम हो गया, एक एलंकी, एलंकी जैसे 5 नंबर के एलंकी लगता है, कहाँ लगता है वो भी बताऊँगा मैं। यहाँ जो 4 स्क्रू, यहाँ देखो 4 एलंकी टाइप का लगा हुआ है, तो इसको 4 को ओपन करना पड़ता है। पहले आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 ये ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद में यहाँ स्क्रू है, एक हो गया, ये देख लीजिए एक इधर हो गया, इसको ओपन करने के बाद इधर देखें 1, 2 और एक इसके भी नीचे भी है, इसको जब ओपन करोगे आपको बताऊंगा कितना स्क्रू, आपको स्क्रू बता रहा हूँ 1, 2, 3 स्क्रू इधर हो गया हुआ है, 4 इधर हो गया हुआ है और 3 ये साइड, ये हो गया आपको टोटल 10, 6 स्क्रू, 4 एलंकी और 10 नंबर का 2 बोल्ट यहाँ लगा हुआ है, ये देख लीजिए ये 10 नंबर का 2 बोल्ट हो गया हुआ है, और भी आता है आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ स्क्रू आता है, वो भी देख लीजिए। नया बंदा रहता है उसके लिए इजी हो जाता है हमारे वीडियो थ्रू से देख के। एक स्क्रू यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए एक स्क्रू यहाँ लगा हो तो एक स्क्रू और भी लगा हुआ है, आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं, वो अंदर रहता थोड़ा से, ये देखिए एक इधर है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो एक स्क्रू यहाँ है तो स्क्रू अंदर नहीं, देखो यहाँ एक रहता है इसमें स्क्रू है नहीं, ये देख लीजिए 1, 2 आपको इधर दिखाता हूँ। अभी राइट साइड में एक स्क्रू नहीं है, अभी जो स्क्रू होता है यहाँ दिखाते हो, यहाँ देखो आप स्क्रू यहाँ नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने ओपन नहीं किए हूँ, ओपन करने के लिए यहाँ
नाक स्क्रू है, इसको मैं इसको कवर को पूरा नहीं ओपन करता हूँ, खाली थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये आगे टाइप का आगे खुल रहा है, ये आगे ओपन करने के बाद ये देखिए, यहाँ देख लीजिए अब स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, एक स्क्रू इधर है आपको दिख रहा हूँ, इधर दो स्क्रू समझ लो चार, नीचे ये लगा हुआ है देखिए, इसको खोलना पड़ता है, ये भी ओपन करना पड़ता है, ये भी ओपन हो चुका हुआ है, मैंने यहाँ भी ओपन कर चुका हूँ, समझ लो तीनों स्क्रू ओपन हो चुका हुआ है, दो आगे का इससे मतलब ये दो इधर का है, एक उधर जिधर बैठते एक इधर लगा हुआ रहता है देखिए। अभी आगे का एक आया है मैं राइट साइड में, ये देखिए ये भी ओपन कर दे रहा हूँ मैं, ये भी ओपन हो चुका हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ 10 नंबर का दो बोल्ट है, ये 10 नंबर दोनों बोल्ट ये ओपन हो रहा है, इसको भी ओपन करते फिर आपको दिखाते। ये भी देखो ओपन खुल रहा है, ये देखिए ये भी ओपन हो चुका हुआ है। अब इसके बाद में मैं चार इसको बोल्ट जो लकी टाइप का पाना है मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चारों बोल्ट मैंने ओपन हो चुका हुआ है, अब इसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद अभी भी अगर कवर आप देखेंगे तो कवर नहीं आता है, तो अभी इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ भी स्क्रू एक है आपको ये भी ओपन करना है, आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं कोई भी चीज़ आप लोग को समझ लो राउंड नहीं बता सब सही, इसमें जो रहता है जो तरीका खोलने का वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो वीडियो के अंदर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ आपको उसी तरीका इसको फिटिंग करना है। ये देख लीजिए, नहीं तो आप सोचोगे कि सर पूरा तो ओपन कर दिए बाद में फिटिंग करने का टाइम मैंने बताया, तो ऐसे ना जैसे आप जिस तरीका खोलोगे उसी तरीका फिटिंग करना है आपको, यहाँ तो कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ फिटिंग नहीं करना है, जैसे ओपन हो रहा उसी तरीका आपको फिटिंग करना है। देखिए अभी तो क्या करना है, जो कवर आगे का है थोड़ा इसको ऊपर लेना है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा देखो इसमें फंसा हुआ रहता है, तो आपको उंगली से भी थोड़ा करोगे देखो बाहर आ जाता है, ये देखिए ये बहुत ईजी से बाहर आ जाता है, ये बाहर आ गया हुआ है। अब बाहर आने के बाद अब आप सोचोगे कि ईजी से बाहर आना चाहिए, आता नहीं है, अब इसके अंदर भी स्क्रू है, तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ दो ये लगा हुआ है देखिए, इसको ये देखिए, तो इसको पुश करोगे, पुश करने के बाद कैसे पुश किया जाता है, दबाया जाता है इसको, ये अंदर कर दिए, अंदर करने के बाद इसको क्या करना है हल्का से ऊपर लेना है, तो दोनों तरफ आता है राइट और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ आता है। अब इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ मैं, अभी देखिए अभी बाहर आ चुका हुआ है, तो अब इसको जो मीटर होता है ये देखिए मीटर मीटर अभी बाहर आ चुका हुआ है। अब इसको आप सोचोगे बिजली से बाहर नहीं आता ये वाला, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है हल्का जैसे आगे जैसे जैसे जो पोजीशन में खड़ा हो जो अंदर लेता है जैसे पीछे से मैं जिधर आप सीट पे बैठते उधर आगे नहीं आपको किस कौन ये देखिए आगे जैसे थोड़ा हल्का से लोगे तो यहाँ से क्या बाहर आ जाता कटिंग करोगे ज़्यादा अगर करोगे तो इसके अंदर लॉक आता है कभी कभी टूट जाता है तो इसको प्यार से आपको खोलना है। जैसे अगर पूरा बाहर भी नहीं निकालोगे तभी भी चलता है इसको थोड़ा से हल्का से इसमें एक लॉक रहता है। ये देखिए अभी मैंने ओपन समझ लो बाहर नहीं निकाल दे रहा हूँ इसको मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ देखो यहाँ भी स्क्रू आता है मैं इसलिए बोल रहा था स्क्रू इसको आप प्यार से करना चाहिए नहीं तो क्या होता है लॉक इसके अंदर आता है लॉक टूट जाता है
इसमें देखिए आपको इस तरह बता रहा हूँ मैं, ये देखिए लॉक इसमें फिटिंग रहता है, तो आप जब नए टायर की तरफ घसीटोगे तो इसमें बाहर आ जाता है और इसमें पीछे से करोगे ये लॉक हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था लॉक हो जाता है, लॉक आता है, थोड़ा कभी कभी ताकत से निकालना पड़ता है, कभी कभी बहुत ईजी से निकल जाता है। अब इसको मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ कवर को, इसको यहाँ स्क्रू खोल रहा हूँ मैं, ये देखिए स्क्रू इधर लगा हुआ है, बहुत ईजी वाला काम, जैसे आपको ईजी करना है आप आपकी जैसे खोलने का तरीका, आप कैसे खोल सकते हैं कैसे फिटिंग कर सकते हैं उसके ऊपर है। मैं तो पूरा इसको अभी ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लॉक का जो होता है इसके अंदर रहता है। अभी ये बोल्ट तो बहुत ईजी से खोल सकते हो, जो अंदर का बोल्ट है देखिए यहाँ एक बोल्ट आता है वो आप नहीं खोल सकते, उसके लिए ओपन करना पड़ता है। अब क्या क्या ओपन करना पड़ता है जिससे मैं तरीका बता रहा हूँ। अभी ये देखिए बाहर आ गए, इसमें एक ये खोल दिया हूँ, लॉक है और ये भी है, सब बाहर आ जाता है। ये देखिए तो बाहर आ चुका है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक 10 नंबर का यहाँ भी एक बोल्ट आता है, इसको भी ओपन करना है। तो एक कवर जिस बाहर आएगा तो स्क्रू जो होता है जहाँ का जो बोल्ट रहता है, देखिए यहाँ बोल्ट एक है इधर, बहुत ईजी से खुल जाता है, इसको भी आपको बाहर लेना है। अभी यहाँ का भी आपको देख लिए बोल्ट इसके अंदर आता है, देखिए 10 नंबर ये भी ओपन हो चुका हुआ है। थोड़ा से मैंने हल्का से बेंड किया हूँ, जैसे टेढ़ा किया हूँ, टेढ़ा करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए एक बोल्ट यहाँ लगा हुआ है और एक बोल्ट यहाँ भी लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये देखिए एक बोल्ट यहाँ लगा है, देखिए ये दोनों ओपन करना पड़ता है, तब आप उसको जो इसका होता है सीट का लॉक तो चेंज कर सकते हैं। अभी तक खोलने का तरीका आपको नहीं बताया हूँ कैसे खोला जाता है, आप बाद में बताता हूँ, पहले इसको ओपन कर ले रहा हूँ मैं। अभी ये देखिए दोनों बोल्ट मैंने ओपन कर चुका हूँ, ओपन करने के बाद अब आप इसको क्या करना है, आपको बाहर निकाल के थोड़ा से इसको ईजी से थोड़ा, ये बाहर आ चुका हुआ है, बाहर आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ के स्क्रू है, देखिए ये स्क्रू ओपन करोगे इसके अंदर केबल निकालने का तरीका आपको दिखेगा, ये देखिए। दोस्तों मैं वापस वो आप लोग को मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं तरीका आपको खोलने का बता रहा हूँ उसी तरीका आपको फिटिंग करना है। अभी आप तो ये देख लीजिए कि स्क्रू है, एक स्क्रू जो मैंने आपको बता रहा था ये है सीट लॉक का, जिससे यहाँ फिटिंग रहता है, हाँ स्क्रू आपको ओपन करना है। अब स्क्रू ओपन होने के बाद आपको क्या करना है वो भी बताऊँगा, ये बहुत बारीक स्क्रू है, इसको देख के खोलना चाहिए नहीं तो नीचे गिर जाता कभी कभी। ये देखिए स्क्रू यहाँ हो गया, वो पट्टी देखिए पट्टी कौन से पोजीशन में लगा हुआ है, ये पट्टी आपको देख लीजिए, ये पट्टी का जो पोजीशन है आपको देखिए, ये थोड़ा हल्का से बेंड है, तो बेंड वाला जो टाइप है देखो उल्टा सीधा अगर आप बैठाने जाओगे, ये देखिए ऐसे ये उल्टा सीधा बैठेगा नहीं, जैसे जो तरीका वही तरीका बैठेगा। एक तो ये हो गया, अब इसको आपको जैसे मैं निकाल रहा हूँ देख लीजिए, जैसे मैं निकाल रहा हूँ उसी तरीके इसको आपको फिटिंग करना है, इसको हल्का से बाहर लेना है, जैसे ये बाहर लेने के बाद आपको देखो यहाँ से एक खांचा रहता है, देखिए अंदर ये आपको अब इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दिखा रहा हूँ, देखिए फोकस दे के आपको, ये देखिए ये देखिए ये निकल चुका हुआ, यहाँ वापस दिखा दे रहा हूँ, यहाँ एक खांचा है, ये खांचे के अंदर यहाँ देखिए एक यहाँ भी खांचा है, इसे गैप है, तो गैप के अंदर इसको ऐसे आपको बैठाना है, देखिए इसे इसमें लगा के फिर आपको इसी तरीका, ये खांचा है देखिए यहाँ भी खांचा है, खांचे में रहना चाहिए, खांचे तो मिलाओगे, ये देखिए इसी तरीके इसको निकालना है और इसी तरीके आपको फिटिंग करना है। एक तो ये हो गया, अभी देखिए जो वायर है यहाँ से वायर देख लीजिए, पूरा वायर ये टूटा हुआ है देख लीजिए, ये देखिए बाहर आ चुका हुआ वायर, ये टूट चुका हुआ है। आप सोचोगे वायर टूट गया है तो अभी खुलेगा कैसे सीट, तो ये क्या करना है आपको नीचे से खोलना है, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, जब आप वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब आप वो केबल को नया इसे चेंज करना है
तो आपको चेंज करने से पहले वो जो दूसरा केबल है इसके अंदर फिटिंग करके अच्छे से इसमें टेप आपस में ज्वाइंट करके टेप लगा के पीछे से घसीटोगे तो आस्ते आस्ते जो नया वाला पार्ट है वो भी चले जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मैं तो अभी इसको जो पीछे का सीट है वो मैं सीट खोलने जा रहा हूँ। मैं सीट खोलने का तरीका आप देख लीजिए, ये देखिए। अभी आपको सोचोगे नहीं खुलेगा इसे, तो आपको कैसे खोलना है सीट का भी पीछे भी खुला नहीं रहे, ये तरीका बता रहा हूँ खोलने का। इसको आपको पकड़ लेना है, पकड़ देते हैं इसको थोड़ा। अभी देखिए पूरा मैंने यहाँ से पूरा समझ लो अच्छे से इसको पूरा बाहर निकाल के फिर किया हूँ मैंने, ये देखिए। यहाँ से करने के बाद जो सीट होता है, सीट देखो खुल गया हुआ है, खुद तो इजी से नहीं निकलता है सुजुकी एसएस या वर्कमैन का। यहाँ से आपको तार निकालना है, पहले आपको वायर निकालना है कितना बड़ा वायर टूटा हुआ है, उसके हिसाब से आपको यहाँ से थोड़ा फाड़ोगे जिसे इसको निकालोगे तो अंदर से रहता है ये केबल, जिसे केबल के अंदर इनर बोलते हैं हम लोग, जैसे वायर बोलते हैं, ये वायर अगर खसीटोगे तब ये पीछे का सीट खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। अब ये देखिए सीट यहाँ का देखो खुल चुका हुआ है। अब सीट को कड़ी लगाने के लिए तो आपको ये सब ये चीज़ देखो लो ओपन करना है, तो आप जिसे इसको फिटिंग कर सकते हो इसके अंदर, जैसे फिटिंग रहता है आपको भी दिखा दे रहा हूँ खोल के। अब ये देखिए इसको ओपन कर चुका हूँ, ओपन कर ढक्कन निकाल रहा हूँ। ढक्कन निकालने के बाद अभी आपको खाली शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पूरा बाद में कवर में निकाल के अच्छे से इसको करूँगा। ये इसको आपको पीछे का इसमें जो आता है निकाल दिए, और जैसे फिटिंग करने के बाद आपको दिख रहा है इधर देखिए इसका जो इसमें खांचा आता है, खांचे के अंदर जो फंसता है इसको आपको हल्का से ये देखिए बाहर निकालना है। बाहर निकाल के इसको ये देखिए यहाँ से इसको आपको इसी तरीके इसको ये निकाल लेना है, इसी तरीके आपको ये फिटिंग करना है। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ फिटिंग करने का, इसी तरीका जैसे जिस तरीके आपने निकाले उसी तरीके आप इसको ये फिटिंग करना है। अभी मैंने इसे टेम्पर कर दिया हूँ मैं, अभी जैसे आपको बताया यही तरीका आपको करना है, 100% आपको केबल को चेंज हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। अभी आप पीछे से या ये जो पीछे से होता है जैसे बैक साइड, तो आप यहाँ से दूसरा वायर समझ लो यहाँ से फिटिंग करने का, उसमें टेप लपेटो, टेप जो बोलते हैं सोल्यूशन टेप, जैसे वायरिंग में टेप आता है आप यहाँ से भी कर सकते हो, और जो होता है यहाँ से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। पीछे से केबल लेना है कि आगे से लेना है आपके ऊपर है। अभी आगे से देखिए यहाँ से भी कर सकते हो, देखिए ये देखिए ये जो केबल होता है यहाँ से भी आप कर सकते हो, जिसमें ज्वाइंट करके आपको घसीटना है, ये डायरेक्ट आपको केबल नहीं निकालना है। नया केबल का प्राइस देख लिया, 148 रुपीज़ प्राइस है, 148 रुपीज़ प्राइस है इसका। इसका जो फिटिंग होता है मैं यहाँ से देखिए यहाँ से टेपिंग कर चुका हूँ नया का, इसमें देखो अभी मैं बाहर पीछे से खींचूँगा बराबर इजी से ये बाहर आ जाता है, आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं। अभी देखिए खींचते जो केबल होता है मैंने बांधा था बाहर आ चुका हुआ, अभी जो नया केबल है मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैंने फिटिंग एक कर दिया हूँ, ये देखिए। अब इसके बारे में और भी आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, एक इधर लगा था और एक नीचे भी लगा हुआ रहता है, इसे एक दो क्लिप लगा हुआ रहता है, मतलब दो टाई बोलते हैं इसको हम लोग, टाई लगा हुआ रहता है। ये टाई अगर निकालना है तो आपको ये देखिए यहाँ से एक बना हुआ है, इसको ऐसे पुश करोगे ऊपर तरफ से तो जो खींचोगे बाहर आ जाता है, तो आप उसको वायरिंग कर सकते हो। वायरिंग का और ये जो बोलते हैं केबल और ये वायरिंग, इसमें दोनों लगा हुआ रहता है। अभी आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ मैं, इसमें फिटिंग ये देखिए इस तरह का रहता है, और इसी में जो होता है सीट का केबल, सीट का केबल भी इसी में लगा हुआ रहता है, तो ऐसे एक यहाँ लगा हुआ रहता है और एक आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ, समझ लो एक इधर लगा हुआ रहता है, देखिए ये इधर देखिए जो आपको दिख रहा है वायरिंग, समझ लो एक यहाँ लगा हुआ रहता है, तो ऐसी जगह पे दो जल लगा हुआ रहता है, वो आपकी मर्ज़ी। उसमें अगर नहीं भी लगा हुआ है तो
तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी टाई लगा हुआ तो मैं इसलिए टाई में लगा दे रहा हूँ मैं। अब ये देखिए नया इसमें फिटिंग कर रहा हूँ। नया फिटिंग का जब करोगे तो ये जो आगे का है इसमें बराबर एकदम बैठना चाहिए। देखिए ये देखिए बैठ गया हुआ। फिर उसके बाद में जो खांचा है ये खांचे में बैठाना चाहिए। और अभी देख रहा हूँ आप गंदा है, फिर बाद में थोड़ा इसको समझ लो आप सफ़ा करिए, उससे फिटिंग कर देना चाहिए। तो अभी इसको बराबर बैठा हुआ नहीं है, इसमें खांचे में बैठना चाहिए। ये देखिए ये खांचे में बैठ चुका हुआ, जिसे बोलते ये देखिए खांचा बोलते हैं। कुछ भी सबका बोलने का अलग अलग तरीका होता है, फिटिंग का खांचा बोलते हैं। देखिए अभी जो लॉक है ये इसमें हो चुका हुआ, इसके बाद लॉक के ऊपर इसके बोलते एक पट्टी आता है। देखिए पट्टी ऐसे है तो फिटिंग हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे फिटिंग करने जाओगे या ऐसे फिटिंग करने जाओगे देखिए तो पट्टी फिटिंग नहीं होता है। आपको पट्टी जैसे है सेम टू सेम बैठेंगे बराबर पट्टी बैठ जाता है। देखिए बैठ गया हुआ है। अब इसके ऊपर जो स्क्रू बताया था मैंने, स्क्रू आता है ध्यान से स्क्रू लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कभी कभी स्क्रू गिर जाएंगे तो आपको जल्दी स्क्रू मिलता नहीं है। ये देखिए अभी इसका जो लॉक का था वो पूरा परफेक्ट हो चुका हुआ है। अब इसको चार मुका इसको रिवर्स इसको और इसको टाइट कर दे रहे हैं। फिर बाद में आपको दिखा दे रहे हैं सीट कैसे। अभी फिटिंग हो चुका हुआ है। अभी इसको अंदर फिटिंग करूँगा मैं, तो अभी आपको सीट को खोल के फिटिंग करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए चाबी उसमें लगा हुआ है और सीट जो होता है अभी खुला है। अब इसको फिटिंग कर दे रहा हूँ। ये देखिए सीट अभी ओपन नहीं हो रहा है, बराबर फिटिंग हो चुका हुआ है। अब इसको जो चाबी को घुमाएंगे, चाबी को कहते हैं अंदर पुश करके नहीं घुमाना है आपको, सीधा से घुमाना है। ये देखिए सीट आवाज़ आया टिक गई, समझ लो लॉक खुल चुका हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ही आपके पास पहुँचेगा।